का स्वागत है। आइए देखते हैं सबसे बड़ी खबर। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के एक जगह के विधायक है विजय वरेटीवार, जिनके विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। आइए देखते हैं ग्रामीणों का क्या है कहना। हम लोग ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के चौगान करके गाँव में मौजूद है। इस गाँव में स्थानीय विधायक जो यहाँ के जो विधायक है विजय वरेटीवार, उनके माध्यम से यहाँ क्या क्या काम हुए, क्या क्या योजनाएं इस गांव में आई है, रोजगार क्या है, रोजगार के साधन क्या है, साथ ही साथ यहाँ की स्वास्थ्य सेवा, पीने के पानी की सेवा और यहाँ की शिक्षा सेवा, इस पर हम कुछ गांव वालों से चर्चा करेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं इनने वो समस्याओं का समाधान उनका किया है या नहीं किया है। सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? मेरा वैसा कृपाकर नाम है, उर्फ संजय है। अच्छा, चहान दे करके। अच्छा, अभी जिस रोड से अभी आए, हाँ, उसकी हालत देखकर आप क्या कह सकते हो? अभी जो 5 साल विधायक रहे हैं। अच्छा, रोड तो काफी बुरी हालत में है अभी, बहुत गड्ढे। तो इसी से आपको अंदाज लग जाएगा विकास क्या हुआ, विकास क्या हुआ है। अच्छा, इस गांव में रोजगार हमी के काम कितने दिन चले? अभी इस साल ग्राम पंचायत ने एक भी दिन रोजगार नहीं मिला, एक भी दिन रोजगार नहीं मिला। लोगों ने कम से कम 2200-2300 फार्म भरे। अच्छा, और अभी तक उनको एक रोजगार नहीं मिला। हमने LDO को निवेदन भी दिया तो भी इनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, और जबरदस्ती से उनका घर टैक्स वसूल किया गया है। अच्छा, कोई कानून में ऐसा लिखा नहीं है। यानी जब वो फॉर्म लिया गया ग्राम पंचायत ने भरने के समय, तो घर टैक्स जो है वो भी मांगा, जबरदस्ती मांगा। हाँ। यानी आप लोगों से सरकार ने पैसा जमा कर लिया लेकिन अब तक रोजगार नहीं दिया। अच्छा, आपके गांव में रोजगार हमी के अलावा क्या रोजगार के और दूसरे साधन है? यानी किसानी होती है या क्या करते हैं? किसानी, बाकी रोजगार नहीं है ना? बाकी रोजगार नहीं है। अच्छा, ये रोजगार मुहैया कराने के लिए यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो आपको लगता है कि रोजगार के मामले में निष्क्रिय रहे? वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन का प्रॉब्लम है। अच्छा, सब महाराष्ट्र में चल रहा। अच्छा, और फिर महाराष्ट्र में चल रहा ऑनलाइन का प्रॉब्लम, तो फार्म क्यों मंगाती फिर ग्राम पंचायत? अच्छा, क्यों मंगाती है, क्यों मंगाती फिर है? उसको बेरोजगार भत्ता दो। अच्छा, बेरोजगार जो कह रहे हैं आप, फार्म भरने के बाद जो 100 दिन में रोजगार नहीं देते हो, तो उसको बेरोजगार भत्ता देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए। ये तो बनाया हुआ था उन्होंने, नियम ही रखा था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गाँव में कितनी दफा चौगान जो गाँव है इसमें विधायक आ चुके हैं? आते हर बार आते, उनकी हर बार आते हैं, कार्यक्रमों को बुलाते तो आते हैं, आते। अच्छा, लेकिन लोगों की समस्या कितनी सुलझा पाते हैं? अभी जैसा अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है तो दौड़ते वो नहीं आते, तो उनके कार्य करते दौड़ते। अच्छा, अभी उनको हम मानेंगे क्योंकि उनका जो स्टैमिना है काम करने का बहुत अच्छा काम करते, अच्छा काम उनको मानेंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ के विकास के लिए जैसा अभी सड़कें जो बोले आपने वो है काफी बुरी हालत में है, तो अभी देखो इसी गाँव का प्रॉब्लम है ये चौगान का। अच्छा, जो 2012 में जनगणना हुई, आर्थिक जनगणना, यहाँ पर इतने घर गिरे हुए हैं, अभी तक यहाँ का जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन का अभी तक सवाल नहीं हुआ। सब लोग आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का अभी तक कम से कम 10-12 साल हो गए, लाभ नहीं मिला, नहीं मिला। यानी उसमें भी वो विफल है। अच्छा, तुम पूछ सकते किसको आवास मिला, सब लोग है चौगान। और बताइए आपके गांव में रोजगार का क्या साधन है? नहीं, रोजगार के साधन बताइए, आपके गांव में रोजगार का कोई साधन है? नहीं, कुछ नहीं। तो सारे लोग किसानी से ही रोजगार पाते हैं? अपनी खेती करते हैं, कैसा भी पेट भरते हैं बस। मजदूरी तो कोई और एक्स्ट्रा ये या कुछ कमाई करेंगे ऐसा कोई धंधा नहीं, कोई साधन नहीं है। नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, यहाँ के जो गांव वाले हैं, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? ठीक है, ठीक है। फिल्टर वगैरह है? फिल्टर नहीं है, कोई साफ पानी आता नहीं, पानी नहीं आता, जैसा वहाँ से आता वैसा लोग पीते। अच्छा, यानी जैसा डैम से पानी टंकी में आता है वैसा ही पानी यहाँ के लोग पीते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा कैसी है, अस्पताल वगैरह आपके गाँव? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वगैरह रहते हैं? हाँ हाँ। स्कूल वगैरह? स्कूल भी है, स्कूल में टीचर वगैरह रहते हैं बराबर? रहते। सिर्फ आपके यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा साधन बना हुआ है? ओ, यहाँ के ऑनलाइन ऐसी बिगड़ी हुई है। अच्छा, कि जैसा अपना चौगान बोलो। हाँ। चौगान के सामने एक 10-15 किलोमीटर में चिजगांव है। हाँ। तो चौगान का चिजगांव हो गया। अच्छा। चिजगांव का चौगान हो गया। अच्छा। इसलिए यहाँ कोई ऐसा घरकुल की सुविधा अभी तक तो 10 साल में एक भी मकान नहीं हुआ। 10 साल में एक भी मकान इस गांव में नहीं मिल पाया? नहीं नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सदाशिव पांडुरंग बुराड़े। बुराड़े जी, बताइए आपके हाँ। गांव में रोजगार हमी के काम कितने दिन चल पाए? रोजगार हमी के काम तो अभी चला ही नहीं, चला ही नहीं आपके गांव? पहले पहले 2 साल के पहले चला था। अच्छा, यहाँ किसानों के कोई कर्जे वगैरह माफ हुए हैं? किसानों को कर्जे तो माफ कोई हुए, कोई नहीं हुए। कोई हुए और कोई और नहीं हुए है। और बाकी है? और बाकी है। हाँ। अच्छा, जो सरकार बोलती है कि किसान सम्मान योजना के जो पैसे है 6,000 रूपए, हाँ, वो इस गाँव वालों को किसी को मिले हैं? नहीं मिले, नहीं मिले इस गाँव में, नहीं मिल पाए। नहीं नहीं,
मैंने कई लोगों मिले हैं, ये मैं बताता हूँ 5-6 लोगों को ये 2000 के हिसाब से 2-2 हफ्ते मिले हैं। अच्छा, पूरा गांव नील है, किसी को पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, समझे क्या? पूरा गांव ऐसा वंचित है ये योजना से, किसी पूरी योजना वंचित है। ये एक बीजेपी का ये अच्छा नहीं काम। अच्छा, तो ये सब लोग क्या है कि बैंक में जाते हैं, अपना पासबुक दिखाते, मेरे पैसे आए क्या, जमा हुए क्या, वो बोलते नहीं भाई किसी के नहीं है, किसी के नहीं आए, नहीं आए। क्या नाम है आपका? नाना जी भागड़कर। भागड़कर जी, बताइए आपके गांव में घरकुल की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोल रही है कि 2022 में हर किसी को अपना घर मिलेगा, हाँ। तो ये आपके गांव में योजना कितनी कारगर है? ये कहीं ना आया ना, अजून एक भी नहीं आया। नहीं 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 नहीं, यानी 2022 में आपके गांव में घर ही नहीं मिल पाएगा अभी तक के, जबकि देश में कहा जा रहा है कि घर मिल जाएगा करके लोगों को। लगभग अभी हम चौगान गांव में कुछ लोगों से अभी जैसी चर्चा की हमने, तो यहाँ भी वही समस्या बनी हुई है। यहाँ भी इस गांव का जो नाम है ऑनलाइन में, वो यहाँ से 15 किलोमीटर के गांव को दे दिया गया है और वो गांव का यहाँ दिया गया है। इस वजह से यहाँ पिछले 15 वर्षों से एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई भी जो आवास योजना जो सरकार नाम बदल बदल कर चला रही है, उसका किसी को भी यहाँ लाभ नहीं मिल पाया। साथ ही साथ यहाँ बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार पड़ी हुई है, यहाँ बेरोजगारों की सबसे ज़्यादा संख्या है। और यहाँ लगभग यहाँ की जो ग्राम पंचायत है, उन्होंने सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन तो कराए, लेकिन रोजगार हमी का काम नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान यहाँ हमारे स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि उन्होंने सारे घर जितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया, उन सारे लोगों से टैक्स के स्वरूप में पैसा भी वसूल कर लिया। यानी जबकि रोजगार मुहैया होने वाला नहीं था, फिर भी यहाँ के लोगों को अंधकार में रखकर उनसे पैसे ले लिए गए। ऐसी कई समस्याओं से हम अवगत कराएंगे। अभी हम यहाँ से चल रहे सामने के गाँव में, वहाँ भी बताएंगे कि विजय वडेट्टीवार जी का जो ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र है, इनमें क्या क्या समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं, और उससे क्या बोले 5 वर्षी झाला मुकच नाही दिसला वडेट्टीवारचा, आई नाही का गाव? वो गाव में आई नहीं, आयच नाही, आई नहीं का? आता येईल। अच्छा, अभी चुनाव में आएंगे। तो जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि 5 साल में वो इस गांव में भी बहुत कम आते हैं और नहीं के बराबर ही आए हुए हैं। लगभग यह गांव भी विकास से काफी कोसों दूर है। मैं त्याला आमदार होता या क्षेत्राचा, हाँ, जे पूर पेढीना धान गेला आहे ते चौकशी करायला पाहिजे होती ना। तो आपके यहाँ किसानों का भी जो फसल बर्बादी का वो नहीं किया गया है क्या? तो चला ना आता हमारी शेती पावला, यानी काफी पूर परिस्थिति, काहीच नाही, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर कष्ट करना करावा का? फसल जैसी बर्बाद हो गई है आप लोगों की, तो उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाया? काहीच नहीं, काहीच नहीं, काहीच नहीं। जैसा कि यहाँ जो फसल जो अभी जो अधिक बहुत बड़े पैमाने पर बारिश आने के वजह से यहाँ जो लोगों की किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उसका आज तक के किसी भी सरकारी यंत्रणा की तरफ से देखने में भी नहीं आया और उसका ना ही पंचनामा वगैरह बनाया गया है, जिसके वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका मुआवजा भी नहीं दे पाएंगे। ऐसी कई समस्याओं को लेकर चौगान गाँव के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन नीलेश पशिने के साथ निशांत भाई। यही हाल ब्रह्मपुरी से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम को देखने को मिला। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों का रोजगार के बारे में क्या है कहना। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MLS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, ओए तूने आज हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सर कैफ यू यार। व्हाट? हाँ, मैंने भी अपने घर पे रॉयल हेलचील लगाया है। सो रणवीर, उसका एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया को किल कर देता है ना। पर मेरे और बैक्टीरिया में क्या कनेक्शन? सो फनी। थैंक यू। Hey, careful. What? It kills bacteria. Asian Paints Royal Health Shield. इसकी एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी दीवारों पे लगे बैक्टीरिया को किल करे और घर को रखे सेफ। रॉयल हेल्थ शील्ड, द पेंट दैट केयर्स फॉर यू।